हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ एक ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप। काफ़ी अच्छा मेकअप होगा ये, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सोबर सा मेकअप है, बहुत ही क्विक होने वाला मेकअप है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज़ नहीं किए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका CTM कर दिया था। CTM में क्या क्या यूज़ होता है, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और उसकी वीडियो है चैनल पर पूरी, तो आप लोग देख सकते हैं कि CTM कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने प्राइमर यूज़ किया और मैंने यहाँ पे स्टेट वर्की का प्राइमर यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है। SQ के प्राइमर बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अब मैं इनके यूज़ करा रही हूँ, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का एक कंसीलर पैलेट। काफ़ी अच्छा पैलेट होता है ये और इसी से हम लोग इनके फेस की पूरी कवरेज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे शेड होते हैं इसके अंदर और आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑरेंज शेड उठाया है, जिसको हम लोग 303 भी बोल सकते हैं। ये पैलेट मुझे काफ़ी पसंद आता है। आप लोगों ने मुझे कई बार ये चीज़ बोली है कि मैम 303 कहाँ मिलेगा या उससे मिलता जुलता कुछ बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के साथ में ये पैलेट शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छा पैलेट है, यूज़ करके देखिएगा। ब्राइडल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पार्टी मेकअप में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पैलेट लगा मुझे ये। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं इन्होंने इसकी बहुत अच्छे से इनके फेस पर ये लगा दिया है। अब इसमें से इन्होंने नेक्स्ट शेड उठाया है, जो थोड़ा सा इनकी टोन से 2 टोन ब्राइटर है। उस टोन को ये इनके पूरे फेस पे ना बहुत अच्छे से इसकी कवरेज करेंगी। और इसमें काफ़ी सारे शेड अवेलेबल होते हैं डार्क स्किन के लिए, लाइट स्किन के लिए। तो जो भी आपको अपनी क्लाइंट की स्किन से सूट करता हुआ लगे, 2 टोन लाइटर लगे, वो ही शेड आप यूज़ करें। तो इस टाइप का पैलेट जो होता है वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी, क्योंकि अगर आप कोई फाउंडेशन या कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं तो वो आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा हर शेड का। बट इस टाइप के जो पैलेट होते हैं ना, उनमें से आप काफ़ी, एक ही पैलेट में काफ़ी सारे शेड होते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी हल्की हल्की सी कवरेज की थी इसमें से, इनके ही जो शेड होता है उससे, 2 शेड लाइटर से। उसके बाद में ये अब इसमें हाईलाइटिंग वाला शेड उठा रही हैं, मतलब इन्होंने आईबरी टाइप का शेड उठाया है, काफ़ी लाइट वाला, जिससे इनका क्या होगा, इनके जहाँ पर भी हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत ये दिख भी रहा है, ये भी नहीं दिखाई देगा। और ये जो मेकअप है ये बहुत ही सिंपल मेकअप है। इनकी जो स्किन थी उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कवरेज वगैरह करने की ज़रूरत पड़े हमें, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर बेस तैयार करना पड़े। तो स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हमें लग रहा है कि हाँ स्किन ऐसी है जिस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल उस पर काम कीजिए। बट अगर लग रहा है कि नहीं काम करने की ज़रूरत है, तो नहीं कीजिए। तो देखिए, इनके बहुत सिंपली बेस तैयार हो गया है। अभी इसको बेस को फिक्स कर रही हैं और ये जो फिक्सर पाउडर है, जो इन्होंने लिया है फिक्सर पाउडर, वो भी इन्होंने SQ का लिया है। काफ़ी अच्छा एक तरीके का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, और इससे ये इसको फिक्स कर देंगी। देखिए इस तरीके से ना, इनके मेकअप को ये बिल्कुल फिक्स कर देंगी। और जो ये मेरे पार्लर पे कर रही हैं इस टाइम, ये सीख रही हैं इस टाइम, और ये प्रैक्टिस वाला मेकअप चल रहा है। जो स्टार्टिंग में हम लोग जब किसी को मेकअप सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इस तरीके से ही मैं अपने जो सीखने आते हैं बच्चे, उन लोगों से इस तरीके से कराती हूँ। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बहुत इजीली मेकअप को सेट कर दिया। अब उसके बाद ये हाइलाइटर कर रही हैं, और ये जो इन्होंने पैलेट लिया है ये सिर्फ ब्यूटी का पैलेट है। इसके अंदर आपको हाइलाइटर, इसके अंदर आपको ब्लशर, और इसके अंदर काफ़ी सारे आई शेडो के शेड भी मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक आई शेडो पैलेट है। बट इसके अंदर आप लोग ये तीनों काम भी कर सकते हैं, आप हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं, आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं, आप ब्लशिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आईब्रो सेट कर रही हैं, उसका शेड भी उसी में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पैलेट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं, मैं उन लोगों को बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट खरीदवाती हूं, ताकि उन लोगों का जो सेट हो जाए हाथ, वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप कर रही हैं, जो ब्राइडल में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राइडल में ये मेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत सिंपल सोबर मेकअप करवाना चाहते हैं, और इस मेकअप को आप पार्टी में भी कर सकते हैं, इस मेकअप को आप ब्राइडल में भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कराना पसंद नहीं करता है, और हैवी मेकअप करने के लिए हम लोगों को ना स्किन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। इनकी स्किन पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी हेल्दी स्किन है। तो कुछ भी हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इसमें मेकअप करें। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं, अब इन्होंने इसी आई शेडो पैलेट से एक हल्का सा पिंक शेड उठाया है,
और उससे इन्होंने कट क्रीज बना ली है। तो कट क्रीज किस तरीके से बनाई है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक ये उसको लेकर गई हैं, काफ़ी अच्छे से उसकी मर्चिंग कर रही हैं। उसके बाद जो बीच की जगह बसती है आई बॉल वाली, उस पर इन्होंने गोल्डन शेड लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने उस पर गोल्डन शेड लगा दिया, और अब हल्की सी इन्होंने गोल्डन शेड पे डस्ट लगा दी है गोल्डन शेड की, तो वो और भी अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से अगर हम मेकअप करेंगे, सबसे पहले हमें इसी तरीके से सिंपल मेकअप सीखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके हमें मेकअप की जो है वो बहुत अच्छे से नॉलेज होने लगती है, और उसके बाद हमारा हाथ जो है वो बहुत अच्छे से सेट होने लगता है। तो मेरा जो पार्लर पे काम कराने का तरीका है, और जब मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ जो मेरे पास आते हैं काफ़ी दूर दूर से सीखने के लिए, उन लोगों को मैं इसी तरीके से सिखाती हूँ। पहले मैं सिंपल मेकअप सिखाती हूँ जैसे कि इन्होंने इनका किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे और बहुत अच्छे से और भी काफ़ी तरीके के मेकअप होते हैं वो हम इनको सिखाएंगे। और मुझे पहली बार में ही जब इन्होंने ये करके दिखाया, मुझे पहली बार में ही बहुत पसंद आया, और इस तरीके का मेकअप हम लोग आराम से ब्राइडल पार्टी हर तरीके से कर सकते हैं। और मुझे ये जो इनका करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत क्विकली कर दिया था, ऐसा कोई नहीं था कि, और एक तो क्या होता है ना, प्रोडक्ट अगर हमारे हाथ में अच्छे होते हैं तो हमारा ऑलरेडी काम बहुत अच्छा होता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए ये बिगनर के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि मुझे ये सभी बहुत अच्छे लगे। अब ये कर रही हैं काजल लाइनर यूज़, और ये है ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर, काफ़ी अच्छा होता है ये, देखिए आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पिगमेंटेड होता है, काफ़ी मतलब लिक्विडी होता है बट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी फैलता नहीं है, फुल्ली वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है। तो काफ़ी अच्छे से देखिए इसको यूज़ कर रही है। और इसका जो एप्लीकेटर है ना, सबसे मेन होता है हम लोग जब लाइनर यूज़ करते हैं तो एप्लीकेटर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं अभी ये फेसिस कनाडा की काजल पेंसिल जो होती है उसको यूज़ किया, और उन्होंने नीचे की साइड में ना काजल पेंसिल से ही मैट फिनिश दे दी, और इन्होंने अब लिपस्टिक यूज़ कर ली, लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है इन्होंने NYVA की, काफ़ी अच्छी होती है। और देखिए अब आप देख सकते हैं अब ये मस्कारा यूज़ कर रही हैं, उसके बाद ये मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगी। तो इस तरीके से इनका जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन है। इन्होंने फेक आईलैशेस नहीं लगाई क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही थी, और प्रैक्टिस में आई थिंक ज़रूरत भी नहीं थी, और इनकी जो पलकें हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं तो ज़रूरत नहीं थी उस पर बिल्कुल भी। तो देखिए ऑल ओवर जो हम लोगों ने जब इनको ज्वेलरी वगैरह पहनाई, इनकी हेयर स्टाइल की वीडियो चैनल पर है, अगर आप लोगों को देखनी हो तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी चैनल पर मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो डाली थी। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मेकअप ऑलमोस्ट डन है, और इन्हें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा एक लहंगा पहनाया था उसके साथ में ये मेकअप बिल्कुल सही से जा रहा है। आप लोग कलर का फेर बदल कर सकते हैं जैसा कपड़ा पहना हो कस्टमर ने आपके उस तरीके से। और इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर जो मेकअप प्रोडक्ट हैं सभी के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो एक बार बाय करके ज़रूर देखिएगा, प्लस मेरा कूपन कोड भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।